एक तरफ जहां बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी से भरपूर फिल्में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। हंसी मजाक से भरी फिल्म एल लगे जल्द ही रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित होगी, जिसके प्रमोशन के लिए फिल्मी कलाकार आगरा पहुंचे, जिनसे हमारे संवाददाता सैयद शकील ने खास बातचीत की। आपको बता दें कि फाउंडर मनीष शर्मा के ओटीटी प्लेटफॉर्म सीने प्राइम पर ये वेब सीरीज 9 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। वेदिका भंडारी एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज इंदौरी इश्क में पिछले साल नजर आई थी और अब ये उनकी दूसरी वेब सीरीज आ रही है। एक्ट्रेस वेदिका भंडारी ने बताया कि वे एल लग गए फिल्म में दुल्हन शिल्पी की भूमिका निभा रही है। साथ ही बताया कि फिल्म में काफी मजाकिया सीक्वेंस भी है। आई थिंक हर एक प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया हम सीखते हैं एज एन एक्टर, सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीज़ें हैं। बट आई से कि इस जो हमारा शो है, एक मेरा बहुत फेवरेट सीक्वेंस है जो रिवील कर सकते जो संगीत नहीं अंताक्षरी वाला, वो मेरा सबसे आई थिंक हम सबको बहुत मजा आया था वो शूट करने में। एंड आई थिंक हर एक की शादी में, हर एक की फैमिली में ऐसे मोमेंट्स होते हैं, सो सब लोग रिलेट करेंगे और आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। वो सीक्वेंस स्पेशली मेरा फेवरेट है क्योंकि लॉकडाउन की स्टोरी है, तो एक ही सेटअप पे इतने सारे लोगों को एक साथ काम करना था, काफी दिन तक रहना पड़ा। क्या एक्सपीरियंस रहा पूरी शूटिंग का? आई थिंक हम सब प्रिकॉशंस तो ले ही रहे थे क्योंकि लॉकडाउन बस खुला ही था, सब अपने अपने मतलब अलग अलग थे, मास्क पहने हुए थे, लेकिन मुश्किल तो होती है एंड आई थिंक चीजें बदल चुकी हैं अब। वहीं रोडीज फेम एक्टर साहिल आनंद भी ये वेब सीरीज करके काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इस वेब सीरीज में मेरी प्रेमिका से मेरी शादी हो रही होती है, लेकिन लॉकडाउन लग जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है उसके लिए आपको एल लग गए सीरीज देखनी पड़ेगी। कहना मैं महसूस कर सकता हूँ, बहुत खुशी महसूस कर सकता हूँ, इसलिए ये खुशी बांटने के लिए आज हम आगरा भी आए हैं कि क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सब लोग रिलेट कर सकते हैं उससे, सब लोग इट्स स्टोरी, ये एक स्टोरी है जहाँ पे लॉकडाउन में शादी में फंस जाते हैं, दो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी होने लगती है, सब कुछ सही हो जाता है, और जहाँ ये लड़का बारात लेकर आता है और वहीं उसी वक्त लॉकडाउन लग जाता है, तो कैसे एक जगह पर फंस जाते हैं सारे लोग, दो परिवार एक तरह से फंस जाते हैं, तो पता नहीं अब वो आप देखिए कि शादी हो पाती है कि नहीं हो पाती। बहुत रियल इवेंट्स चीज़ें उठाई हैं जो परिवार में होती हैं, फूफा मतलब पूरा परिवार ही आ रखा है, अब जो दो परिवारें एक साथ मिल जाएं तो या बवाल होगा या शादी होगी, तो देखते हैं। वहीं प्रोड्यूसर मनीष शर्मा का कहना है कि एल लग गए फिल्म की स्टोरी लाइन और इसका ट्रीटमेंट दर्शकों को खूब एंटरटेन करने वाला है। दो प्रेमियों की शादी हो रही होती है, उसके बीच लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है, उसके बाद उनकी जिंदगी में उनके रिश्तेदारों और दोस्तों की जिंदगी में क्या टर्न और ट्विस्ट आते हैं, इसी रोचक सब्जेक्ट पर ये वेब सीरीज बेस्ड है। आगरा बहुत प्यारा शहर है और मुझे खासकर बहुत पसंद है, पहले भी आ चुका हूँ आगरा, घूमने के पर्पज से आया हुआ हूँ, बिजनेस के पर्पज से आया हुआ, तो मेरी जो लिस्ट थी सिटीज की जिनमें हमें प्रमोट करना है उसमें आगरा का नाम सबसे ऊपर था, इसलिए हम सबसे पहले आगरा ही आए और आगरा से स्टार्ट करके एक अच्छी शुरुआत करके इसको पूरे इंडिया में ले जाएंगे प्रमोशन। वेब सीरीज एल लग गए, लॉकडाउन लग गए, 9 दिसंबर को रिलीज हो रही है सिने प्राइम ओटीटी चैनल पे। आशा करते हैं आप सबको पसंद आएगी और बहुत सारे प्यार मिलेगा। नगरी आगरा में सितारे सर जमी पर उतर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एल लग गई मूवी की पोस्टर की जो लॉन्चिंग की गई है और इंदौरी इसकी अभिनेत्री इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आगरा में आके कैसा लगा और आगरा ही उन्होंने क्यों चुना अपनी इस फिल्म की पोस्टर रिलीज के लिए। जी सबसे पहले आगरा में आपका स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आगरा के बारे में और अपनी इस मूवी के बारे में? आगरा तो मुझे बहुत पसंद है, मैं आ चुकी हूँ अपने फैमिली के साथ, हमने ताजमहल देखा था और बहुत ही सुंदर जगह है और शायद इसलिए हम यहाँ सबसे पहले आए हैं अपना पोस्टर रिलीज़ करने के लिए, अपना शो प्रमोट करने के लिए, और आई होप कि सब लोग को पसंद आए हमारा शो। मूवी की स्टोरी जानना चाहेंगे, किस तरह की स्टोरी है और क्या आपका इसमें रोल है? जी तो जैसे कि नाम है एल लग गए, इसका मतलब है लॉकडाउन लग गए, तो दो लोगों के बीच में प्यार है, वो शादी करने वाले होते हैं और लॉकडाउन लग जाता है, तो उसी के बेसिस पे पूरी कहानी है और मैं जो दुल्हन बनी हूँ
इसमें मेरा किरदार है, शिल्पी नाम है मेरा, और वो जैसे हर लड़की होती है वो बहुत एक्साइटेड है शादी करने के लिए, और जब लॉकडाउन लग जाते हैं तो बहुत बुरा हाल होता है। तो क्या क्या होता है उसके साथ, क्या होता है दूल्हे के साथ, क्या होता है सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ जब सब फंस जाते हैं एक साथ, तो उसके बेसिस पे हमारा पूरा शो बना है। बाकी आपने जो है आने वाली जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट पे अभी आप काम कर रही हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, कई सारी मूवी लोग पसंद कर रहे हैं आपकी। जी जी, थैंक यू। सबसे पहले मेरे दो शो आने वाले हैं, इनफैक्ट एल लग गए के बाद एक शो का नाम है मुर्शिद और एक शो का नाम है प्रोवाइडर। तो दोनों के लिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, जब वो आएंगे आपको पता चल जाएगा। बाकी ताज नगरी में आप हैं, ताजमहल भी देखा हुआ है, देखेंगी, आगरा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही वार्म है सब लोग, मतलब अनु जी है जो हमारे साथ है, आप अदीबा, दोनों ने हमारा काफ़ी ध्यान रखा है और बस हम मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ साहिल मौजूद हैं, साहिल से जानना चाहेंगे किस तरह से आपने जो है मूवी में एक्टिंग की है, किस तरह की स्टोरी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ फैमिली स्टोरी, परिवार के बीच में एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे साथ सबके साथ बीती थी, वो है लॉकडाउन। तो दो लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी के लिए घर वाले राज़ी हो जाते हैं और कैसे बारात लेकर पहुँचता ही है और रिबन काटने ही लगता है तो लॉकडाउन लग जाते हैं, मोदी जी आ जाते हैं। तो कैसे एक दो परिवार एक ही जगह पर बंद हो जाते हैं एक महीना दो महीने के लिए और उनके बीच में क्या नोकझोंक होती है, कहाँ शादी हो पाती है नहीं आ पाती, तो इट्स अ वेरी फैमिली एंटरटेनर आई वुड से। तो कह सकते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में आपने एंटरटेनमेंट जो है लोगों को देने की कोशिश की है, हालांकि उस समय परेशानी का बड़ा रहा है हर इंडस्ट्री के लिए, लेकिन उसको भी आपने एंटरटेनमेंट। जी, अब वही कह रहा हूँ ना कि लॉकडाउन ने सबको बहुत परेशान कर दिया, अब हम इस तरह से लॉकडाउन का हम एक ऐसी चीज़ ला रहे हैं जब लॉकडाउन देख कर रोकेंगे हाँ यार हंसी आई आज उनको, खुश रहे, तो खुशी भी चाहिए ना। अब कब तक हम उसी पे लगे रहें कि रोते रहे या वो रोते रहे, हो गया जो हो गया हम उसी को एक फन एक कॉमेडी के वे में लेकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे साथ फिल्म के दोनों हीरो हीरोइन मौजूद थे जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जो भी कुछ हुआ उसको कॉमेडी के रूप में इन्होंने पेश किया है। अपने साथी सुबह के साथ सही शकील, डीजी महाराजा न्यूज़, आगरा।